हाय दोस्तों, मैं हूं दीपिका और आप देख रहे हैं पीएससी प्रेप विद दीपिका। आज है 6 अप्रैल 2019 और आज डिक्लेयर किया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस बाय द यूनाइटेड नेशंस। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे 6 अप्रैल को पहली बार 2013 में डिक्लेयर किया गया था और 2014 ऑनवर्ड्स से हम लोग हर साल 6 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स की तरह मनाते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स को डेवलपमेंट और पीस के लिए एक बहुत ही अहम मुद्दा है, जिससे मल्टीलेटरल कई कंट्रीज में भी पीस स्पोर्ट्स के थ्रू होता है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारी लाइफ में भी स्पोर्ट्स से हमारा मेंटल डेवलपमेंट और मेंटल पीस में बहुत बड़ा हाथ रहता है। आज का न्यूज़ एनालिसिस शुरू करते हैं। आपको मैं बता दूं, आज है हिंदू नववर्ष का पहला दिन। आप सभी को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आज यूपीएससी सिविल सर्विसेज के नतीजे भी घोषित किए गए हैं। लिस्ट में टॉप 10 लिस्ट में पहला स्थान महिलाओं में रहा है सृष्टि देशमुख का, ये है भोपाल से। सृष्टि का ये पहला अटेम्प्ट था। सृष्टि ने केमिकल इंजीनियरिंग की हुई है भोपाल से और इनकी कहानी बहुत ही इंस्पिरेशनल है। हम सभी को बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिल रही है आज के दिन। और फर्स्ट जो है टॉपर है कनिष्क कटारिया, सेकंड है अक्षत जैन। ये दोनों अपने अपनी फैमिली के सेकंड जनरेशन के सिविल सर्वेंट्स हैं। मैं आपको बता दूं, इनके पेरेंट्स भी सिविल सर्विसेज में हैं और जुनैद अहमद जो है वो ऑलरेडी सिविल सर्विसेज में हैं। उनका ये सेकेंड अटेम्प्ट था अच्छी रैंक के लिए। और सृष्टि देशमुख रही हैं महिलाओं में फर्स्ट रैंक। आगे बढ़ते हैं आज के इंडियन एक्सप्रेस में। इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज में आज है इलेक्शन कमीशन कोड ऑफ कंडक्ट एडवाइसेस योगी एंड फ्राउंस ऑन नीति। योगी जी के कमेंट में इलेक्शन कमीशन ने उन्हें वार्निंग दी गई है। उन्होंने जो वायलेशन किया था, जो इंडियन आर्मी को मोदी की सेना कह दिया था उसके लिए, और नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन है अमिताभ कांत जी, उनके ऊपर भी एक वार्निंग दी गई है। उन्होंने न्याय स्कीम कांग्रेस की, उसके ऊपर एक कुछ कमेंट किया था। सेकेंड न्यूज़ है यूपीएससी रिजल्ट्स की, ये आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं वर्ल्ड न्यूज में है थेरेसा मे आस्क्स फॉर ब्रेग्जिट एक्सटेंशन एंड ईयू कुड ऑफर 1 ईयर ऑफ फ्लेक्सटेंशन। फ्लेक्सिबिलिटी एक्सटेंशन की बात की जा रही है, क्योंकि एक्सटेंशन इसी वीक ड्यू है। 12 अप्रैल को उनका एक्सटेंशन ड्यू है, एग्जिट होना तय है। और अगर एक्सटेंड किया जाए तो फिर वो कुछ वीकली बेसिस में उन्हें मीट करना पड़ेगा। इसलिए ईयू ने कुछ ऐसे डिसाइड किया कि फ्लेक्सिबल एक्सटेंशन देंगी, ताकि बार बार वो मिलना मीटिंग ना करना पड़े और एक अच्छा प्लान निकाल के, अपना कंसेंसस निकाल के यूके मतलब एग्जिट हो जाए यूरोपियन यूनियन से। दूसरी न्यूज़ है आज फिलिपिन वॉन्स बीजिंग टू बैक ऑफ फ्रॉम डिस्प्यूटेड आइलैंड। ये जो है आपको मैं बता दूं, फिलीपींस और बीजिंग, चाइना का जो डिस्प्यूट है ये है थीटू आइलैंड के नाम से, जो थीटू आइलैंड की बात हो रही है। और साउथ चाइना सी अभी सबसे बड़ा डिस्प्यूटेड आइलैंड है पूरे वर्ल्ड में। अभी बहुत बड़ा कंटेस्टेड टेरिटरी है द साउथ चाइना सी, विच इज करंटली वन ऑफ द मोस्ट डिस्प्यूटेड रीजन्स इन द वर्ल्ड। हैज सीन अ राइज इन टेंशंस इन 2019। मल्टीपल कंट्रीज, फिलीपींस, चाइना, वियतनाम, मलेशिया, ब्रूनी, सबका क्लेम है इस रीजन में और सबका रीजन ओवरलैप हो रहा है। चाइना बोल रही है कि टीथू आइलैंड है वो हमारी टेरिटरी है, लेकिन जो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल है वो पहले ही 2016 में बोल चुका है कि उनका जो क्लेम है चाइना का वो लीगल नहीं है। तो इस तरह से मनीला फिलीपींस के लिए ये अच्छी न्यूज़ है। अब मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन बता दूं, चाइना सी ये रहा, आपको दिख रहा है चाइना सी, यहाँ ऊपर में चाइना है और ये रहा इंडोनेशिया वाला रीजन। ये जो एरिया है यहाँ पे आपको ये थीटू आइलैंड दिख रहा है, दिस इज द थीटू आइलैंड। और ये जो आइलैंड है साउथ वेस्ट के डिस्कवरी रीफ एंड पीजन रीफ, पियर्सन रीफ, ये सब अभी बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का बहुत बड़ा ट्रेड का हिस्सा आगे बढ़ता है। और ये जो है बहुत यहाँ पे डिस्कवरी की, मतलब यहाँ पे ऑयल एंड पेट्रोल की बहुत बड़ी संभावना है। तो इसलिए चाइना बोल रही है कि इसका नाम साउथ चाइना सी है, तो इसलिए चाइना
पे इसका बहुत बड़ा हक है। अब इस तरह से अगर देखा जाए तो इंडियन ओशन इंडिया के नाम पे है, पर ऐसा तो नहीं है कि इंडिया बोले कि नहीं इंडियन ओशन पूरा इंडिया के नाम पे, इसलिए पूरा का पूरा ओशन हमारा, ऐसा नहीं है। इंडिया ऐसा नहीं क्लेम करती, बट चाइना ऐसा क्लेम कर रहा है क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत प्रोबेबिलिटीज है नेचुरल रिसोर्सेज मिलने की। और थीटू आइलैंड जो है यहाँ पे मनीला का पहले से ही क्लेम है, लीगल क्लेम है, और वो कह रही है कि अगर चाइना आई तो हम सुइसाइड मिशन कर देंगे, सुइसाइड मिशन कर देंगे, और चाइना अगर नहीं रुकती है तो वी विल नॉट थिंक अबाउट नॉट डूइंग एनीथिंग, वी विल डेफिनेटली डू समथिंग अबाउट इट। आगे बढ़ते हैं आज की न्यूज़ में। आज की न्यूज़ में है वर्ल्ड न्यूज़ में आज एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, वो है 2019 में डेविड मेलपास को वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट बनाया गया। वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने सबने अप्रूव कर दिया। डेविड मेलपास अभी करंटली यूएस ट्रेजरी के डिपार्टमेंट में टॉप डिप्लोमेट है। इन्होंने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन में भी चीफ इकोनॉमिस्ट एडवाइजर रहे हैं। तो ये आज का पर्सन इन न्यूज़ टॉप रैंक में है, डेविड मेलपास, इन्हें वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं आज के एडिटोरियल में। आज का एडिटोरियल पेज में है 2019 एंड पॉपुलिज्म। 2019 आज के एडिटोरियल जो है मोस्टली सैटरडे के पॉलिटिक्स ओरिएंटेड हैं, जो अभी इलेक्शन जनरल इलेक्शन है उससे ओरिएंटेड है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये एक आर्टिकल का बेसिक मीनिंग बता दूं। पॉपुलिज्म का मतलब होता है, ये एक आइडियोलॉजी है, इसका मतलब होता है एक पॉलिटिकल अप्रोच जो कि आम आदमी को अपील करे कि उनके जो जो प्रॉब्लम्स हैं उनको वो अपील करे, और हिंदी में इसे बोलते हैं लोक लुभावनवाद। इसके मुताबिक जो पॉपुलिज्म पॉपुलिस्ट जो लोग होते हैं उनके हिसाब से जो एक आम आदमी के दर्द को समझ सकता है उस तरह की पार्टी इंडिया में आनी चाहिए। और पॉपुलिज्म का उल्टा होता है एलिटिज्म। एलिटिज्म का मतलब है उत्कृष्टतावाद, मतलब जो कोई भी सुपीरियर पर्सनैलिटी है, जो कि जो बाकी के समाज से बहुत सुपीरियर उनमें क्वालिटीज हैं, वैसे लोगों को रूल करना चाहिए। मतलब कोई एक पर्टिकुलर फैमिली है वो बहुत ही सुप्रीम है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इनडायरेक्टली बोला जा रहा है नेहरू जी की बेटी इंदिरा गांधी, उनके बेटे राजीव गांधी, फिर सोनिया गांधी, फिर राहुल गांधी। तो इस पे बोला जा रहा है कि ये एलिटिस्ट पॉलिटिक्स है, और देर इज अ लार्ज सपोर्ट फॉर एंटी एलिटिस्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया, बट इट इज नॉट यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट। उन्होंने जो एक सर्वे किया है उसके अकॉर्डिंग पॉपुलिज्म और एलिटिज्म का क्या आगे फ्यूचर है इंडिया में उसके ऊपर है। तो आज के न्यूज़ एनालिसिस में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने किसी फ्रेंड से शेयर करें जिन्हें आपको लगता है कि ये वीडियो यूज़फुल होगा उनके लिए। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।